तो देखिए, अयोध्या में कहा जा रहा है कि राम राज्य के साथ साथ त्रेता युग वाला आभास कराया गया अयोध्या वासियों को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से ये तमाम योजनाएं सौगात के तौर पर दी हैं अयोध्या वासियों को, इसके पीछे क्या कोई मैसेज समझ आ रहा है? अभिषेक, आप थोड़ा सा आगे आइएगा और मुझे ही समझ। आगे आने तैयार हूँ, माइक जहाँ है वहां मैं आ जाऊंगा। और देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, मैं यहीं पास का रहने वाला हूं, बस्ती का रहने वाला हूं। संजय त्रिपाठी समझ रहे होंगे बस्ती की दूरी, इनको पता है, कानपुर के, ये भी कानपुर की हैं, पुल पार करके, एक पुल पार करके। तो ये जो जगह है इसको बचपन से देखा है मैंने, और वो दुष्यंत कुमार लिख गए हैं कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। तो ये बचपन से इसको देखता आ रहा हूँ और वही मैं सुना रहा हूँ। और ये जो बदलाव अपनी आंखों से देख रहा हूँ, हमारे यहाँ अमावसा का मेला जो लगता था, अमावस का मेला, तो यहाँ से बस्ती से, गोरखपुर से और कानपुर से भी आते होंगे लोग, अयोध्या नहाने के लिए आते थे। और उसके लिए कैलाश गौतम लिख गए हैं कि भक्ति के रंग में, आप सोचिए उस दौर को देखिए और फिर मैं ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखाऊंगा। ये भक्ति के रंग में रगल गांव देखा, ये अवधि भोजपुरी मिला के बोल रहा हूँ, धर्म में कनल, कर्म में सनल गांव देखा, अगल में बगल में सगल गांव देखा, अमौसा नहाए चलल गांव देखा। ये पीछे जो सरजू है यहाँ नहाने के लिए लोग आते थे। तो ये जो भक्ति और धर्म की त्रिवेणी थी उसका ही जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, प्रधानमंत्री ने आज यहाँ से बातें की हैं, ये जो मैसेज है, ये मैसेज पूरा अयोध्या का नहीं है, अयोध्या का मैसेज पूरा देश में गया है कि धर्म और साथ में जो भौतिक उन्नति है, ये दो संधि, इन दोनों को साथ में लेकर के हम चलेंगे। आप बार बार सिर हिला रही, मुझे लग रहा माइक आप खींचना चाह रही है अपनी, और लेकिन उसके यहाँ एक लाइन आप बोल दीजिए, एक लाइन जोड़ देते हैं। मंत्री ने जो आज बोला, आपने कहा ना धर्म और विकास की बात उन्होंने की, उन्होंने एग्जाम्पल दिया किस तरह से अयोध्या में राम का मंदिर विकसित हो रहा है, और उसके साथ साथ उन्होंने काशी कॉरिडोर की बात की, उन्होंने उज्जैन में महाकाल महालोक की बात की। तो इस तरह से उन्होंने बताया किस तरह से अगर धर्म का विकास होता है, मंदिर विकसित होते हैं, तो उस शहर का भी विकास होता है, ये बड़ी बात। एक बात मैं और ले लूं इसके पहले माइक आपके पास जाए, एक बात और पूरी कर लूं मैं कि वो तो इसी अयोध्या में के बारे में गोस्वामी जी ने लिखा है, हनुमान तेहि परसा करिपुन कीन प्रणाम। इधर आइए, इधर आइए, हनुमान तेहि परसा करपुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम, तो रामचंद्र की जय। तो ये राम काज है, ये राम काज है। मनोज्ञा भी कुछ बोलना चाह रही मेरे ख्याल से। मनोज्ञा ने मुझे पहले ही कहा था, मेरे सारे सहयोगी यही बोल रहे थे कि आप पहले माइक उधर सबसे बाद में ले जाएगा, क्योंकि फिर किसी और के पास नहीं जा पाएगा। ऋषि, आप प्लीज आगे आइए और मुझे बताइए, जिस ट्रांसफॉर्मेशन की बात हम कह रहे हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि अयोध्या में क्या बदला, क्योंकि आप तो यहीं के हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ मेरी पैदाइश हुई, हम अयोध्या के वासी, अयोध्या का मैंने कवरेज भी किया, देखा अयोध्या में जो लोग आते नहीं थे, जो मंदिर में दर्शन करने नहीं आते थे, अध्यात्म की तरफ युवा भी बढ़ रहे हैं। अब नए वर्ष पे देखिएगा, लाखों लोग राम जन्मभूमि हनुमान गढ़ी दर्शन पूजन करेंगे, अगले वर्ष भी लाखों लोगों ने किया, इससे पहले नहीं आते थे, कोई अयोध्या आना नहीं चाहता था, लोग बाहर जाते थे, लेकिन अब जब से राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बन रहा, तो अध्यात्म की तरफ युवा भी बढ़ रहे हैं और लाखों की संख्या में रोजाना भीड़ अयोध्या आ रही, अयोध्या को बदलते हुए देख रहे हैं। ABP News, आपको रखे आगे।